फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारे इंट्रो में प्रोफेशनल इंट्रो बनाए थे, तो उसी प्रकार के आप लोग को भी आज इसके इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंट्रो बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इस तरह का इंट्रो कैसे बनाया जाता है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम मोबाइल के होम स्क्रीन में आ जाएंगे। सबसे पहले मोबाइल को होम स्क्रीन में आने के बाद इसमें सबसे पहले अपना पिक्सल एप्लीकेशन को ऑन कीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में पिक्सल एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इसका लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम ऑन करते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा आपके भी मोबाइल में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है, तो थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इमेज साइज का ऑप्शन आ रहा है, तो इमेज साइज वाला भी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कस्टम का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड चूज कर लीजिएगा। बैकग्राउंड चूज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है बीच में, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक बैकग्राउंड कलर को चूज कर लेते हैं। ये न्यू टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो प्लस टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा इसको, इस पर कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप जो अपने यूट्यूब का चैनल है उसका नाम लिख लीजिएगा, या फिर अगर कुछ और इंट्रो नाम से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो यहाँ पे नेम हम यहाँ पे डाल रहते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम अपना नाम को लिख लिए। नाम लिखने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा है, तो ओके वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, तो बोल्ड वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग जैसे और इसमें देख सकते हैं कुछ कर्सिव भी राइटिंग का है, जो भी आप चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बोल्ड प्रोफेशनल लगता है इसलिए हम बोल्ड ही सिलेक्ट करेंगे। बोल्ड सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हम स्क्रॉल करेंगे पीछे के साइड, यहाँ पे साइज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके साइज को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम इसके साइज को बढ़ा लिए। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद अब इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, तो इसके लिए सिंपल से देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी जैसा, तो इस पर हम क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, उस पर क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, देख सकते हैं, तो इसे हम ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऊपर में देख सकते हैं एक और एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम सिंपली से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हमको क्लिक करना, उसके बाद सेव टू गैलरी कर लेना। सेव टू गैलरी करने के बाद ये हमारा सेव हो गया। अब हम यहाँ पर काइंड मास्टर को अपने मोबाइल में ओपन करेंगे और उसमें जो काम है वो करेंगे। तो चलिए अपने मोबाइल में अपना हम काइंड मास्टर ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों, ऐसे देख सकते हैं ये रहा हमारा काइंड मास्टर एप्लीकेशन। कुछ प्रकार इस प्रकार से हम अपना काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 16.9 का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे सिंपली से मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं इमेज एसेस्टेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक बैकग्राउंड चूज कर लीजिएगा ब्लैक। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक इंट्रो जो हमें ऐड करना होगा उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको ऐड कैसे करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो लेयर वाला ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया वाला ऑप्शन आ रहा है, तो मीडिया वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम एक डाउनलोड करके रखे थे इंट्रो, तो इसे हम यहाँ से सिंपली से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार से लगेगा, जैसे देख सकते हैं आप लोग को चला के दिखाते, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लग रहा है, तो इसे हम सिंपली से इस पर क्लिक करके इसका साइज हम बराबर मिला लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम साइज कुछ इस प्रकार से इसका बड़ा कर देते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम कर दिए। उसके बाद अब आप लोग को चला के दिखाते हैं, जैसे देख सकते हैं ये देखिए कुछ इस प्रकार से लग रहा है, तो इसे हम रोक लेंगे यहाँ पे बीच में, हम रोक लेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम रोक लिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे हम रोक लेते हैं ये देखिए।
यहाँ पे हम रोक लिए। रोकने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेयर का फिर से ऑप्शन आ रहा है, तो लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आप लोग पिक्सल लैब में जो अभी नेम ऐड किए थे, नेम बनाए थे, उसे सिंपली से आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर हम अपना बनाए थे जो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनाए थे। इसके बाद यहाँ पर हम इसे साइज़ का थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से साइज़ को बढ़ा लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम इसे फिट कर देंगे। आप लोग भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉप कर लीजिएगा। पॉप का एक ऑप्शन आ रहा है, तो पॉप कर लीजिएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगेगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने का, मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड चूज कर लेंगे। जैसे देख सकते हैं हम कोई भी एक बैकग्राउंड चूज कर लेंगे। बैकग्राउंड चूज करने के बाद यहाँ सिंपली से इसे हम बड़ा कर देंगे कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बड़ा कर दिए। बड़ा करने के बाद यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक कलर को चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम रेड चूज कर लेते हैं। रेड चूज करने के बाद यहाँ पे सिंपली से हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली से इसके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे सिंपली से आप लोग को क्लिक कीजिएगा। ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे ओवर प्ले कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम ओवर प्ले कर देते हैं। ओवर प्ले करने के बाद यहाँ पे सिंपली से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब यहाँ से जो यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा पार्ट है उसे हम सिंपली से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम कट कर लिए। कट कर लेंगे यहाँ से हम सारे पार्ट, जो बड़ा है जो ज़्यादा फालतू पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। इसे हम और थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं अब हम इसे एक बार प्ले करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए कुछ इस प्रकार से लग रहा है। तो इसके जो आप लोग इमेज जो सिलेक्ट किए थे पैंथर वाला, इसके हम वैल्यू में एक बार फुल कर देंगे। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से हम फुल कर देते हैं वैल्यू, ताकि अब मस्त लगे। कुछ इस प्रकार से वैल्यू कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से हम थोड़ा सा इसे और जो ये है टेम्पलेट, इसे भी हम काट लेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार। अब हम प्ले करके देखते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से लग रहा है। ये देखिए तो इस देख सकते हैं हमारा ये इंट्रो बनके अब तैयार है, बनके तैयार है। उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर में देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एज वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 1080 पे क्लिक करके सेव एज वीडियो कर लीजिएगा। सेव एज वीडियो करने के बाद ये हमारा देख सकते हैं सेविंग हो रहा है। कुछ इस प्रकार से हमारा ये सेव हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा सेव हो गया। सेव होने के बाद आप लोग गैलरी में जाके चेक कर सकते हैं आपके गैलरी में सेव हो गया। तो इसी प्रकार से आप भी अपने चैनल के लिए इंट्रो बना सकते हैं आसानी तरीके से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।